अब डीएम साहब से मेरा ये अनुरोध है कि ये जितने भी प्रधान करे या बीएलओ करे या एसडीओ साहब करे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुकृत्य जो है न किया जाए जो 10 साल 20 साल 50 साल के लोग हैं उनका वोट काट दिया जा रहा है, जो रूबरू आजीवन खेती बाड़ी किसानी कर रहे हैं, अपने घर पे पड़े हैं, रोजी रोटी धंधा व्यापार करके जी खा रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड है और ये वोटर आईडी है, उसके बाद उनका पूरा समाज में संचालन है, ऐसे ऐसे लोगों का वोट कट रहा है। तो 24 लाइव न्यूज खबर का दिखा असर। खबर 24 लाइव न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब इसकी पड़ताल कराई कि रामनगर ब्लॉक के तिलंगा गांव और अनेकों गांव के वोट काटे गए थे, जिसकी शिकायत ग्रामीण उप जिला अधिकारी को की। उप जिला अधिकारी ने सत्यापन करने के लिए लेखपाल और कानून को गाँव में भेजा। तिलंगा गाँव में वोटर लिस्ट की जाँच की गयी। दिखाते हैं यह रिपोर्ट, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पे इसमें लेखपाल और कानूनगो की टीम यहाँ पे आ चुकी है और इन्होंने सारे ग्रामीणों की बात सुनी गई और जिसके नाम कटे हैं उसके बारे में सत्यापन किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं, कुछ ग्रामीणों के बयान भी दिखाते हैं जिनके नाम कटे हुए हैं। हरिनाथ हमारा नाम है। हाँ। और तहसील मड़ियाओं में सभी जानते हैं, तहसील मड़ियाओं से लेकर पूरा नेवड़िया क्षेत्र पूरा हमको जानता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रतिदिन जाता हूँ, प्रतिदिन बस से आता हूँ और घर पर आता हूँ। हम मेरे परिवार का सभी लोगों का वोट काट दिया गया है, कोई ऐसा नहीं सदस्य हमारे परिवार में है जिसका नाम हो। कम से कम 13-14 वोट हमारे परिवार में है। किस ग्राम सभा के हैं आप? मैं तिलंगा ग्राम सभा का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। आपके लड़के भी शायद वकील हैं दीवानी में, उनका भी काट दिया गया है क्या? भी काट दिया गया। हमारे लड़के भी वकील हैं दीवानी न्यायालय में, विनोद कुमार एडवोकेट, और उनका भी काट दिया गया है। तो क्या विचार है आपका इसके ऊपर? विचार है तो भाई, अब तो अब एक यहाँ एडीओ पांडे जी हैं, उन्हीं के सब देन है। और वैसे हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट जाने के लिए। अब नहीं जाएंगे तो यहाँ जो धाधली हो रही है और इसी प्रकार से होती रहेगी हर बार, तो हम लोग ऐसे हर बार बार परेशान होते रहेंगे। कम से कम दोषी व्यक्तियों को दंडित करना अति आवश्यक है। जी जी। हाई कोर्ट जाने के बाद क्या उम्मीद है आपको, राहत मिलेगी? उम्मीद है कि चुनाव भी गांव सभा तिलंगा का स्थगित होगा और जो लोग पुनः सूची बनेगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित भी किया जाएगा। और किस किस ग्राम सभा का वोट काटा गया आपके? और अगर करमाऊंगा का काटा गया है और ग्राम सभा उत्तर पट्टी का काटा गया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, 90 वोट करमाऊंगा का काटा गया है और 134 वोट उत्तर पट्टी काटा गया है। जी जी। काफ़ी वोट कटा हुआ है। कितनी वोट कटी हुई है आपकी ग्राम सभा में? 167 वोट कटा हुआ है। अच्छा अच्छा। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए लोगों का आधार कार्ड वगैरह बैंक का पासबुक एकत्र किया जा रहा है और जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उनका भी कार्ड दिया गया, जो मतलब पढ़ने गए हैं कॉलेज गए हैं। अच्छा। या जो काम करने गए हैं उनका तो कार्ड दिया गया, जो यहाँ मौजूद हैं तत्काल उन। राजा जी, आपके घर की कितनी वोट कटी है? माननीय मैं डीएम साहब से निवेदन कर रहा हूं, तहसील के अधिकारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ब्लॉक से एसडीओ साहब और यार बीएलओ ये कौन है। मैं आप डीएम साहब से मेरा ये अनुरोध है कि ये जितने भी प्रधान करे या बीएलओ करे या एसडीओ साहब करे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुकृत्य जो है न किया जाए जो 10 साल 20 साल 50 साल के लोग हैं उनका वोट काट दिया जा रहा है, जो रूबरू आजीवन खेती बाड़ी किसानी कर रहे हैं, अपने घर पे पड़े हैं, रोजी रोटी धंधा व्यापार करके जी खा रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड है और ये वोटर आईडी है, उसके बाद उनका पूरा समाज में संचालन है, ऐसे ऐसे लोगों का वोट कट रहा है। तो कृपया मैं डीएम साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरफ अपना ध्यान मोल्ड करके ये समाज के विवाद को, समाज के कुरीति से जनता को बचाने की कृपा करें।